एएनडी सोलर सिस्टम, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर। उसमें बॉस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई लोग जो ऐसी मशीनें हैं, जो छोटी मशीनें हैं, आगे हैंडल लगा हुआ है, दो हैंडल, एक इधर हैंडल है, एक इधर हैंडल है, और वो छोटी मशीनें जिसके अंदर ट्रांसफार्मर छोटी साइज़ का लगा होता है, और उसमें तीन वायर होते हैं आउटपुट के, दो वायर आउटपुट के होते हैं। जिस मशीन के अंदर पांच तार लगा होता है, आप किसी भी मशीन को, आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, जिस मशीन के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगता है, झटके का ट्रांसफार्मर, खोल करके आप देखना, जिसके अंदर पांच वायर लगा होता है वो मशीन एसी वर्जन है, और जिसके अंदर चार वायर लगा वो डीसी वर्जन है। डीसी वर्जन का ट्रांसफार्मर हमेशा पैक किया जाता है, और एसी वर्जन का बैटरी जो झटका होता है उनको खुला रखा जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमने 6,767 रुपये में मशीन लिया है, इतने एकड़ में काम करता है, वो इतने एकड़ में नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर वो मशीनें काम करती है, पर वो एसी वर्जन है। आपको देखना हो तो इसका मैं बता देता हूँ, आप 0 वाट का बल्ब लेकर के और एक वायर अर्थ में और एक आगे तार के अंदर प्लस के अंदर लगा करके आप चेक कर लेना, जिसके अंदर मशीन डीसी मशीन होगी उसके अंदर बल्ब नहीं जलेगा, और एसी वर्जन होगा उसके अंदर 0 वाट का बल्ब जलेगा आराम से, जितना इन्वर्टर में जलता है इतना। जो 0 वाट का बल्ब जलने वाली जो मशीनें हैं उनकी कभी कभी जो पीएनपी एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो ट्रांजिस्टर डायरेक्ट हो करके और जैसे इन्वर्टर करंट देता है ऐसे देता है, वो मशीनें ख़राब होती है, ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट नहीं होता है, वो मशीन होती है। डीसी मशीन कभी डायरेक्ट नहीं होती, डीसी मशीन का झटका जब तक चलेगी, जब चलेगी डायरेक्ट कभी नहीं होता, जैसे झटका आता ही रहे ऐसा नहीं होता। जो आपको एक ही ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के अंदर 5 वायर का ट्रांसफार्मर है वो एसी मॉडल है, 4 वायर का है वो डीसी मॉडल है। आपको देख लेना किसी भी मशीन खोल करके, जो लोग कहते हैं दावा करते हैं कि ये एसी डीसी मशीन है, वो डीसी मशीन नहीं है, आउटपुट उसका एसी का है और बैटरी पे चलती है 12 वोल्ट की। और कई वीडियो मैंने देखे हैं, एक सरदार भाई ने वीडियो बनाया था, वो कहता मैं 6,700 रुपये में लिए वहाँ से कहीं से, और वो डीसी वर्जन है, वो डीसी वर्जन नहीं, वो एसी वर्जन है। उससे क्या होता है, जानवर का जो झटका लगता है उस टाइम में चमड़ा जल जाता है, चमड़ा ऊपर से जलता है, और जिसके अंदर एसी का है, डीसी वर्जन का है, उसमें कुछ नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ झटका लग गया और उसने छोड़ दिया। तो ये सिस्टम है एसी और डीसी का। आपको किसी चीज़ का एसी डीसी का किसी भाई को पता नहीं होगा, ये मशीन एसी है कि डीसी है, और डीसी मशीन के अंदर बाहर से पता करना हो तो जो आउटपुट का जो जो पिने होती है प्लस और माइनस की, वहाँ पर लकड़ी का फट्टा लगा होगा, जो लकड़ी का पाटिया लगा होगा वो मशीन डीसी है, जिसके अंदर सीधा लोहे की बॉडी के अंदर जो स्क्रू कसे होंगे प्लास्टिक के, वो एसी वर्जन है। और अंदर से खोल के देखते हो तो जिसके अंदर 5 तार का ट्रांसफार्मर है वो एसी वर्जन है, और 4 तार का ट्रांसफार्मर वो डीसी वर्जन है। कई लोग इसके एसी और डीसी कहते हैं, वो डीसी नहीं, वो एसी वर्जन है। उसका आउटपुट जो इन्वर्टर में करंट आता है उसी तरह का करंट आता है, उसमें एम्पियर नहीं होता, वोल्टेज ज़रूर होता है, पर उसका झटका जो है वो एसी का ही होगा। धन्यवाद।